हेलो गाइस, तो कैसे हो? तो मैं वापस आ गया तो और नया वीडियो लेके माइनक्राफ्ट। तो आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा सर्वर जो होगा इंडियन सर्वर और परचेसेस में बहुत कम दाम में है। आप लोग का स्टार्टिंग सिर्फ लगेगा 50 रुपया और साथ में इनका फ्री प्लान भी आता है। तो चलते हैं, और ये इंडियन प्लान है और कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। तो आप लोग को कुछ नहीं करना होगा, मेरे अगर लिंक अगर काम नहीं करेगा तो मेरे डिस्कॉर्ड चैनल में आ जाएगा। डिस्कॉर्ड चैनल में यहाँ पे एमसी सर्वर लिंक मिलेगा, तो एमसी सर्वर लिंक पे आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को लिंक दिख जाएगा और इनका सर्वर का नाम है डार्क होस्टिंग। तो इनका मैं प्लान भी इधर लिख देता हूँ, जैसे आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से आप लोग प्लान इनका देख सकते हैं, और चाहे तो फ्री प्लान पे भी आप लोग जा सकते हैं इनका। तो मैं इनका डिस्कॉर्ड में आप लोग को ले जाकर दिखा देता हूँ, डार्क होस्टिंग जो आप लोग इंडियन सर्वर है हम लोग का। तो मैं चलता हूँ इनका सर्वर पे। तो आप लोग को इनका सर्वर आने के बाद कुछ इस टाइप से दिखेगा। सर्वर पे आने के बाद आप लोग को कहाँ कहाँ पे पेड प्लान और फ्री प्लान मिलेगा, तो चलते आप लोग को दिखाता हूँ। तो आप लोग पेड प्लान के लिए सबसे पहले आप लोग को इधर थोड़ा नीचे आ जाना। इधर आप लोग को दिखेगा एक, इधर आप लोग को एक दिखेगा पेड इन्फॉर्म करके। तो वहां पे आप लोग को पेड इन्फॉर्म पे आप लोग को वीपीएस भी प्लान मिल जाता है इजिली। वीपीएस का इन स्टार्टेड है यहाँ पे 4 GB SSD और 2 कोर का मिल जाएगा आप लोग को 500 रुपये मंथ के हिसाब से। और यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा एमसी नॉर्मल जो हम लोग का माइनक्राफ्ट का सर्वर बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते 50 रुपये से स्टार्ट है डट प्लान। 100 CPU मिलेगा, 2 GB RAM और 6 GB SSD। तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं ओक भी है, यहाँ पे स्टोन प्लान है, यहाँ पे गोल्ड प्लान है, आयरन प्लान है, डायमंड प्लान है, और हम लोग यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लान आते हैं, जैसे नेदर प्लान है, ऑब्सिडियन प्लान है। तो अभी तक तो यहाँ पे सिर्फ ऑब्सिडियन प्लान है लास्ट अभी हम लोग का। तो इसके बाद से अगर कुछ और प्लान आएगा तो अलग आएगा बाद में। और आप लोग कैसे इसको लेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को टिकट दिखेगा, तो टिकट आप लोग को जनरेट कर लेना पहले। टिकट जनरेट करने के बाद आप लोग को उनका मैसेज आएगा, या फिर आप लोग को पहले बोल देना है कौन सा क्या चाहिए, तो उन लोग बता बोल देंगे कौन सा। यहाँ पे आप लोग को पेड सपोर्ट दिखेगा, तो यहाँ पे आप लोग आपका टिकट दिखेगा, तो यहाँ बात करके आप लोग को पासवर्ड ये सब सब कुछ मिल जाएगा। तो मैंने भी यहाँ से लिया है। और यहाँ पे आप लोग जैसे कि आप लोग को आप चाहिए फ्री प्लान, तो फ्री प्लान का आप लोग को कुछ नहीं करना। पेड का आप लोग का पेड के आप लोग का ठीक थोड़ा नीचे आ जाना, पेड वाले प्लान के जैसे यहाँ पे है हम लोग का पेड इन्फॉर्म, यहाँ पे नीचे में यहाँ पे देख सकते पेड प्लान है हम मेरा, और इसके नीचे ठीक है फ्री इन्फॉर्म। फ्री इन्फॉर्म पे फ्री प्लान आपको दिख रहा होगा, उस पर आप लोग सिंपली क्लिक कर देना फ्री प्लान पे। यहाँ पे आ जाने के बाद आप लोग को एक लिंक मिलेगा डिश डार्क होस्टिंग का ऑनलाइन करके क्लिक, तो उसको आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना। और यहाँ पे लेकिन अभी एक प्रॉब्लम चल रहा है ऑन फ्री वाले में, यहाँ पे अभी क्रिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि डार्क होस्टिंग का 2.0 का वर्किंग चल रहा है, तो उसके कारण से 3 या 4 दिन तक ऐसे बंद रहेगा, 3 4 5 दिन तक ऐसे बंद रहेगा क्योंकि अपडेट इसमें चल रहा है। तो किसी किसी का सर्वर क्रिएट हो जाए, किसी का नहीं होगा। तो चलते हम लोग कुछ यहाँ पे क्रिएट करते हैं, मतलब सर्वर पे जाते हैं, सर्वर पे यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं अपना सर्वर। तो यहाँ पे सर्वर में आ जाने से आप लोग को यहाँ पे दिखेगा आपका जो भी सर्वर है सारा पासवर्ड ये सब डालने के बाद। तो यहाँ पे जैसे मैं आ गया अपना सर्वर के अंदर, सर्वर के अंदर आने के बाद आप लोग यहाँ पे जैसे दिखेगा कुछ कुछ सेटअप DNS के सब करके दिखेगा आप लोग को, IP सब दिख जाएगा आपको, और मेमोरी और ये सब कितना है हम लोग का ये सारा दिख जाए पहले। और यहाँ पे आप लोग ऊपर में 3 डॉट दिख रहा होगा, 3 डॉट पर लोग क्लिक करना। तो यहाँ से आप लोग कंसोल सेटिंग फाइल प्लगिंग ऐसे आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा, तो जो आप लोग को करना है यहाँ पे ये सब होते हुए हम लोग सर्वर को स्टार्ट कर देते। सर्वर को स्टार्ट करने के बाद हम लोग चल जाते अपने कंसोल वाले पैनल पे। तो यहाँ पे हम लोग का कंसोल वाला पैनल यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है हम लोग का सर्वर।
तो यहाँ पे एग्री एगो करने का आएगा, तो उस पर एग्री कर दीजिएगा। मैंने आ गया तो बताना, मैंने भूल गया थोड़ा। तो यहाँ पर हम लोग का लगभग लगभग सर्वर स्टार्ट हो गया है। से तो हमारा मेमोरी 700 MB तक ले गया हूँ। तो उस हिसाब से अगर आप लोग सोलो या फिर डुओ खेल रहे तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ प्लगिंग वॉलिंग कर रहे तो ये थोड़ा कम प्लान है। उसके लिए आप लोग को बड़ा प्लान लेना होगा थोड़ा, उससे 50 रुपये से। तो यहाँ पे हम लोग चले जाते प्लगिंग वाला ऑप्शन पे। प्लगिंग हम लोग डाल के देखते हैं, 4 गो प्लगिंग जैसे गीजर, MC वर्जन, ये सब हो गया। तो ये 4 गो डाल देते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना है लोड ले पाता है। तो यहाँ पे फाइल में आ गया मैं, और यहाँ प्लगइन में, और यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक कर दिया मैंने। और यहाँ पे आप लोग को जहाँ पे आप लोग डाउनलोड किए वहाँ पे जाके आप लोग को इसको अपलोड कर देना है सिंपली। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ ये 4 गो को, सॉरी 1 2 3 4 अपलोड। तो यहाँ पे अपलोड हो रहा, अपलोड पे आप क्लिक करेंगे तो अपलोड के देख सकते हैं कि अपलोड हुआ। तो एक हो गया, वर्जन भी हो गया, अपलोड भी हो गया लगभग, और गीजर स्प्लिट भी हो गया। तो ये चारों मेरा हो गया, तो यहाँ पे लोड होगा उसका दिखेगा आप लोग को। तो ये लोड हो गया आप लोगों, तो चलते एक बार सर्वर को कर देते हम लोग री स्टार्ट। तो हमारा यहाँ पे सर्वर हो रहा है री स्टार्ट। तो चलते कंसोल में हम लोग जाके देखते सर्वर में कुछ एरर वगैरह तो नहीं आ रहा है। चेक करते हैं प्लगिंग हम लोग का वर्क कर रहा है कभी। तो यहाँ पे हम लोग का 1 वीगा वर्जन थोड़ा ओल्ड वर्जन हो गया, तो इसको अपडेट करना हो तो वीगा वर्जन में अपडेट कर देता हूँ। और देखते हैं फ्लू गेट स्पीड गेट, इस सपोज प्लगिंग एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि कोई इशू नहीं आया इसमें एक्सेप्ट करने में। तो यहाँ पे मैंने लगभग कर दिया, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया और यहाँ पे सब कुछ मेरा ले लिया है। तो यहाँ पे आप लोग का इसके बाद आ जाना है इधर सर्वर प्रॉपर्टी में। सर्वर प्रॉपर्टी में अगर आप लोग ये करना होगा ऑनलाइन मोड को हम लोग ऑफ फॉल्स करना होगा, क्योंकि अगर आप लोग फोन पॉकेट एडिशन खेल रहे हो तो उनके लिए तो जरूरी है, या फिर क्रैक वर्जन आप लोग खेल रहे हो, या फिर PC में कोई लॉन्चर के थ्रू खेल रहे हो तो उनके लिए भी जरूरत होगा। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको फॉल्स। फॉल्स करेंगे तो आप लोग इधर नीचे जाकर सेव कंटेंट पे क्लिक कर देना। सेव करते हैं आप लोग को एक बार वापस से रीस्टार्ट कर देना सर्वर को। तो यहाँ पे हम लोग चलते अब अपना ही कर लेते हैं, जैसे कि हो गया गीजर स्प्लिट को ये फिक्स भी करना था। तो यहाँ पोर्ट आप लोग का लिखा हुआ आएगा, तो पोर्ट अपना पोर्ट जो है उस पोर्ट को पोर्ट पे पहले डाल देना है काट के, उसका थोड़ा नीचे जाना है। और ये जो होगा अगर आपका ट्रू होगा तो इसको फॉल्स कर दीजिएगा, और उसका थोड़ा और नीचे आना है। नीचे आने के बाद और नीचे और नीचे और नीचे आ जाना, और यहाँ आप लोग का एड्रेस दिखेगा। एड्रेस पे अपना जो IP एड्रेस है उस एड्रेस को डाल देना,
यहाँ पे एक और पोर्ट दिखेगा, उस पोर्ट में जो यहाँ पे 6 लिखा हुआ रहेगा, तो इसको काट के आपको कर देना 7 कर देना, 7 करके आप लोग को इसको सेव कर देना, सेव कर देना और आप लोग को सब कुछ हो जाएगा। तो चलते हैं आप गेम के अंदर, तो यहाँ पे आ गया मैं गेम के अंदर, तो क्रिएट करता हूँ न्यू सर्वर। तो यहाँ पे आईपी को मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसका पोर्ट को चेंज कर देता हूँ 255737 73। और यहाँ पे इधर का पोर्ट को काट देता हूँ पहले, और यहाँ पे नेम दे देता हूँ डार्क होस्टिंग, DARK HOSTING होस्टिंग, इसको कर देता हूँ सेव। चलते हैं ऊपर, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का सर्वर भी स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे पिंग मेरा थोड़ा हाई दिख रहा है क्योंकि मेरा इधर का नेटवर्क रिकॉर्डिंग में सोचा रहा थोड़ा। पानी गिरने की वजह से हम लोग का थोड़ा इधर का नेटवर्क इशू चलता है, तो इसलिए थोड़ा ये हो रहा, लेकिन सर्वर मेरा तुरंत जॉइन हो जा रहा है इजली। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा थोड़ा लोड लेगा, लोड ले लो। हाँ, तो इस बार मेरा यहाँ पे ज्वाइन भी हो गया, साथ में मैंने अपना कंसोल भी बगल में खोल के दिखा रखा हूँ कि देख सकते हो कितना रैम ये सब चल रहा है मेरा। तो एक प्लेयर तो इजली खेल सकते हो, यानी कि 2 या 3 प्लेयर ये डेट प्लान में आराम से खेल सकते हो, 2 या 3 प्लेयर नॉर्मल वाला आप लोग खेलना चाहते हो साथ में। अगर आप लोग SMP अगर बनाना चाहते हो तो इस पे नहीं बना सकते, मतलब 50 वाला में आप लोग को थोड़ा बड़ा बड़ा वाला में लेना होगा, जैसे ओक हो गया, ओक स्टोन हो गया, डायमंड आयरन ये सब लेना होगा आप लोग को। तो इधर चलते हैं हम लोग कंसोल में, कंसोल में जाकर हम लोग एक बार अपने आप को क्रिएटिव मतलब ओनर दे दे के देखते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता कि ओनर कैसे दिया जाता है तो देख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग सिंपली कुछ नहीं देखना, सिर्फ आप लोग पे लिख देना है OP, और जो आपका नाम है उसको नाम को लिख देना है। अगर मेरा नाम है जैसे कैजी किलर, यहाँ पे मेरा गेम का गेम के अंदर नाम है कैसे कलर, तो पहले देख लेना आप लोग, अगर किसी में डॉट आता किसी में नहीं आता, तो इसमें डॉट है तो पहले डॉट देना होगा, डॉट कैसे किलर, और नीचे में डैश किलर, क्या आज मेरा नहीं गलती का लिखते हैं किलर लिखना वापस नहीं, किलर किलर 534, तो कर देते इसको इंटर। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग भी आ गया मेरा, तो सर्वर का ऑपरेटर बन गया। तो अब मैं यहाँ पे आके स्लैश गेम मोड देता हूँ, स्लैश गेम मोड क्रिएटिव, क्रिएटिव क्रिएटिव एंटर। तो आगे हम लोग गेम मोड क्रिएटिव में, तो चलते हैं देखते थोड़ा लोड कैसा ले रहा। तो मेरा नेटवर्क तो थोड़ा ही है लो है, तो मेरा तो थोड़ा लो लो लेगा लोड, थोड़ा लेट ले रहा। अगर आप लोग का नेटवर्क ठीक है तो आप लोग का इस दिन तुरंत ले लेगा, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा नेट का रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन आप लोग का इजली चल जाएगा, इसलिए कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम। और एक बात है, अगर फ्री सर्वर आप लोग को चाहिए तो मेरी डिस्कॉर्ड या फिर यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, डिस्कॉर्ड में पहले तो मैं मैसेज डाल ही दूंगा कि ऑन हो गया इनका फ्री सर्वर, या यूट्यूब में ही डाल दूंगा पहले। अगर फ्री सर्वर आप लोग को इनका खेलना तो सब्सक्राइब करके मेरा जरूर रखिएगा, और इनके चैनल पे भी ज्वाइन होकर जरूर रखिएगा, जिससे तुरंत आप लोग को मैसेज मिल जाए क्या क्या अपडेट हो रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग इनके डिस्कॉर्ड चैनल पे बोल सकते हो, उसके अंदर मैं भी रहता हूँ तो मैं भी जवाब दे सकता हूँ उनके साथ। तो मिलता आप लोग से ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।
अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, या मेरे डिस्कॉर्ड चैनल में बात कर लीजिएगा, या फिर और कुछ हो तो। बाय बाय, आप लोग को मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।